नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति कुशवाहा। आइए देखिए खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 जुलाई को बुधनी जनपद की ग्राम पंचायत बाया में विकास पर्व के तहत लगभग 26 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दिए। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मैंने तकलीफ देख देख कर योजनाएं बनाई हैं। महिला मजदूर बहनें लड़का लड़की जन्म होने के बाद 8 दिन नहीं होते थे और खेतों में निकल जाया करती थी काम करने के लिए, पर मैं लड़का लड़की का जन्म होने से पहले ही 4,000 रुपए दिए जाते हैं और जब लड़का लड़की हो जाया करते हैं तब 12,000 रुपए दिए जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार तब पर उन्होंने कोई योजना बंद कर दी। कांग्रेस के जमाने में हैंडपंप नहीं खुलते थे, पानी भरने के लिए दिन दिन भर बैठे रहा करते थे, पर अब घर घर नर्मदा मैया का जल पहुंचाया जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि कांग्रेस के जमाने में कुछ भी नहीं था। शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि मेरी सरकार आई है तब से बिजली पहुंचाई है और रोड बनवाने का काम किया है। गोपालपुर से लेकर भोपाल बुधनी शानदार 4 लेन बनवा दी जाएगी और सलकनपुर मंदिर की बताते हुए कहा कि बिजासन मंदिर ऐसा बनवाया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। विकास की बात की जाए तो स्कूल, पुलिस, सड़क हो या अस्पताल हो, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान में कहा 25,98,48,000 रुपए के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा लोकार्पण किया। सीहोर से दिनेश चौरसिया की रिपोर्ट। कमलनाथ जी कह रहे हैं कानून व्यवस्था नहीं, ऐसा आज के कार्यक्रम के बारे में। आज के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में विकास पर्व चल रहा है और अपने क्षेत्र में भी विकास की घंटा बह रही है। आई डी पर का आई डी आज बाया और आसपास के गांव करो आई डी कई सड़कों और अन्य निर्माण कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम था। यहाँ बहुत दिनों से मेरा आना नहीं हुआ था, जनता के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए जन दर्शन का कार्यक्रम भी था और विकास पर्व पूरे प्रदेश के साथ साथ यहाँ भी चल रहा है। इसलिए विकास पर्व के अंतर्गत आज बाया कई तरह की सौगात देने आया था। बच्ची, नहर की बच्ची को लेकर आपने निर्देश भी दिए। अपराधी कोई बच्चे का नहीं, किसी भी कीमत।